यहाँ पे हमारे सामने ये दो क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले दिया है 1,3 साइक्लोब्यूटीन और यहाँ पे दिया है 1,3,5,7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ऐसे में क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, एक तो हमारा ये है और दूसरा हमारा क्योंकि ये ऑक्टा टेट्राइन है तो सबसे पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो तुरंत हम इसका जवाब देखते हैं बहुत आसानी से। इसको हम इंसर्ट कॉर्ड भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल है। क्या इसमें डिलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है। ये यहाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पाई बॉन्ड की, तो दो पाई बॉन्ड है, यानी कि इवन नंबर में पाई बॉन्ड है। और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जब इवन नंबर में पाई बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान था। वहीं पर बात करें हम कॉट की, ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ज़रा ध्यान से देखना, क्या ये sp2 है? बिल्कुल। क्या ये साइक्लिक है? हाँ। अगर हम बात करें डिलोकलाइजेशन की, बिल्कुल, ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड कंसिस्ट किया है, ठीक है। सर ये प्लेनर है, देखने में तो लग रहा है भाई अगर sp2 है तो प्लेनर होगा। अच्छा, ऐसे में अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल करें जैसे आप करते हो, तो 1,2,3,4 देयर आर 4 बॉन्ड और 4 मतलब इवन, तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब मारेंगे एंटी एरोमेटिक। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये नॉन एरोमेटिक है। आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, ये क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि ये हमको दिख भले रहा है इस तरह से, ये प्लेनर नहीं होता, ये टब शेप्ड में स्टेबल होता है और ये डायग्राम इंटरकन्वर्ट होकर ऐसे बन जाता है। मैं आपके सामने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रा कर दे रहा हूँ, ये डायग्राम टब शेप्ड ऐसे बन जाता है और यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे हम बॉन्ड लगा दे रहे हैं। ये देखिए, ये डायग्राम ऐसे बन जाता है टब शेप्ड। और आपको एरोमेटिक सिटी के लिए रूल पता है कि अगर कोई कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, और एंटी एरोमेटिक में भी ऊपर के चारों फीचर फॉलो होने चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। लास्ट में पाई बॉन्ड देखते हैं, जब कंपाउंड ही प्लेनर नहीं है तो पाई बॉन्ड की बात कहाँ से आ गई। ऐसे में ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।